ये बताइए कि आप क्यों ये मांग कर रहे हैं कि हम वापस ओल्ड पेंशन स्कीम की तरफ चले जाए, जब ये साफ है कि राज्य इसका बोझ नहीं उठा पाएंगे, वो पूरी तरह कर्ज के तले दबे हुए हैं और इसको अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं। तो इसका कारण क्या है कि आप चाह रहे हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम में हम लौटें? सबसे पहली बात तो जो राज्य सरकारें वित्तीय घाटे में है, केंद्र सरकार वित्तीय घाटे में, उसका कारण पुरानी पेंशन नहीं है। पुरानी पेंशन उसके कारण नहीं है। अगर पुरानी पेंशन उसके कारण है तो जब 2004 में इसको बंद किया गया था तो जो पैसा बचा, देश का पैसा बचा, वो पैसा गया कहाँ? क्या पैसा बचने से कहीं उसको लगाया गया? ये एकदम झूठी बातें हैं कि सरकारी कर्मचारियों को पेंशन देने से समस्या आती है, ये बिल्कुल गलत बात है। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जब देश गरीब था, राशन नहीं मिल रहा था, खाने को नहीं था, तब सरकारी कर्मचारियों को पेंशन दी जा रही थी। और आज हम दुनिया की बड़ी महाशक्ति बताते हैं अपने को, जब हम महाशक्ति बन रहे हैं तो पुरानी पेंशन हम क्यों नहीं दे पा रहे हैं? हम ये कोई नई मांग नहीं कर रहे हैं। इस संवैधानिक हक है, भीमराव अंबेडकर साहब संविधान में लिख के गए हैं कर्मचारियों के लिए पेंशन की व्यवस्था। ये आर्थिक जो बात बताई जा रही है, और एक सवाल मैं और पैदा करता हूँ, अगर आर्थिक समस्या है, इसी कोरोना के दौर में कई हजार लाख करोड़ का नया संसद भवन बन रहा है, उस पर आर्थिक समस्या नहीं है। उसी दौर में प्रधानमंत्री ने 1600 करोड़ का अपने लिए चार्टर प्लेन लाते हैं तो समस्या नहीं है। उसी देश में अच्छा नहीं, बंधु जी एक मिनट एक सवाल मैं पूछ लूं आपसे। आप की बात अगर मैं सही मान लूं कि अगर फला ढिकाना सब चीज के लिए पैसे है तो हमें पेंशन देने के लिए क्यों नहीं है, चलिए एक आपका तर्क हो सकता है कि आप इस उस पे सब ABCD पे खर्चा कर सकते हैं, हम पर क्यों नहीं? ऐसी खास पेंशन जिसकी गारंटी सरकार देती हो, जो आपके लास्ट ड्रॉन सैलरी का 50% हो, ये खास पेंशन सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के एक तबके को क्यों मिलना चाहिए और उसकी पेमेंट आपके जो टैक्स पेयर है उनको क्यों देना चाहिए? क्योंकि इस देश में ज्यादातर लोगों के पास कोई पेंशन वेंशन है नहीं, उनके पास नौकरी ही नहीं है, फिक्स नौकरी ही नहीं है, तो इन सरकारी कर्मचारियों की पेंशन जिंदगी भर की, जीवन भर की, उसका बोझ टैक्स पेयर को क्यों उठाना चाहिए? जी, बहुत अच्छा सवाल, मैं इसका जवाब दूंगा। मैं भी टैक्स पेयर हूँ, जो सरकारी कर्मचारी वो भी टैक्स पेयर है, हमारा ही पैसा है, हम ही टैक्स देते हैं, हम टैक्स